अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने लेसन को बहुत तवज्जो से कर रहे होंगे। होपफुली यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश वर्क बुक का द होस्ट इज अ गेस्ट। आपने डेट के कॉलम में डेट और डे के कॉलम में डे पुट करना है। जो काम आज हम करने जा रहे हैं वो है मेक सेंटेंसेस। सबसे फर्स्ट वर्ड है होस्ट, मेजबान को कहते हैं। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द ओल्ड लेडी टू बी हिज होस्ट। अजनबी शख्स ने बूढ़ी खातून से दरख्वास्त की कि वो उसकी मेजबान बन जाए। परसिस्टेंट, मुश्किल मिजाज। ही वाज परसिस्टेंट इन हिज आर्गुमेंटेशन। वो मुश्किल मिजाजी से अपने दलाइल देता रहा। यहाँ पर ही के बाद वाज आएगा, यहाँ पर वाज आप लिखना मत भूलिएगा। ही वाज परसिस्टेंट इन हिज आर्गुमेंटेशन। गेस्ट, मेजबान, सॉरी मेहमान। At last, the stranger became successful to be the guest of the old woman. आखिरकार अजनबी शख्स बूढ़ी खातून का मेजबान बनने में कामयाब हो गया। Next word है pose, बहाना करना। The old woman posed to be very poor. खातून ने बहाना किया कि वो बहुत गरीब थी। Next word है traveler, मुसाफिर। A caravan of travelers was passing through the jungle. मुसाफिरों का एक कारवान या एक काफिला जंगल से गुजर रहा था। यहाँ तक आपका एक दिन का काम कम्प्लीट हो जाता है। दूसरे दिन का काम वंस अगेन आपका मेक सेंटेंसेस का ही है और टॉपिक भी आपका द होस्ट इज अ गेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड है स्टिंगी, खुदसर या खुदगर्ज। द वीमेन वाज स्टिंगी एंड सेल्फिश। खातून बहुत ज्यादा खुदगर्ज थी। कॉटेज, झोपड़ा या छोटा सा घर। द स्ट्रेंजर एंटर्ड द कॉटेज ऑफ द ओल्ड लेडी। अजनबी शख्स बूढ़ी खातून के कॉटेज में दाखिल हो गया। शेल्टर, नागा। द ट्रेवलर वॉज इन सर्च ऑफ अ शेल्टर। मुसाफिर एक नागा की तलाश में था। नेक्स्ट वर्ड है इन। सराय को कहते हैं। सराय ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर मुसाफिर आकर कुछ देर के लिए बसेरा करें और उसके बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। द ओल्ड लेडी रिफ्यूज्ड द स्ट्रेंजर बाय सेइंग दैट हर कॉटेज वाज नॉट एन इन। तो बूढ़ी खातून ने मुसाफिर को या उस अजनबी शख्स को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसका झोंपड़ा या उसका घर कोई सराय नहीं है। सेल्फिश, खुदगर्ज। यहाँ पर मैंने वंस अगेन जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको दोबारा यहाँ पर यूज कर दिया है क्योंकि तकरीबन दोनों का मतलब सेम था। द ओल्ड लेडी वॉज स्टिंगी एंड सेल्फिश। बूढ़ी खातून खुदगर्ज और स्टिंगी थी। यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।